तेरे आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग नेम डूड आई एम वेरिंग लव यू बोथ फ्रॉम अरीबा बाय द वे यू गाइस लुक सैड टुडे वी आर सैड बिकॉज व्हाई वी आर सैड इट्स नॉट अबाउट बिकॉज FK is resigning. It's not about Bill Gates is leaving his multi-million dollars company. It's about the appreciation that you deserve and that you pull it out together. You don't get it. At the end of the day, you get this comment. Oh, you're doing good, but you could have done better. So we are waiting for better, aren't we? Izzy, hi, how are you? Please tell me FM 105 call number. I want to call you. I'm Miss Ba. Well, I'll tell you, it's 111-000-105 if you're trying to call us from Karachi. If you're using your cell phone, make sure that you dial 021 with that, because otherwise you will reach somewhere that nobody wants to hear what you're trying to say. 105, I love you. FK AZ Furkan Kurangi 6. Agar FK ne chhod diya, to khushiyan mangunga. FK, tum chhodoge to khushiyan mangenge log. मैंने रेडियो अभी ऑन किया है प्लीज FK के साथ क्या हुआ हाय बता दे प्लीज आई एम राबियस FK के साथ क्या हुआ ये तो आने वाला प्रोग्राम ही बता सकेगा नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू हिम बुशरा फ्रॉम बुशरा फ्रॉम GE गोहर एजी साहब आपका शो फर्स्ट टाइम ही सुन लू से आपकी बहुत पता नहीं क्या लिखा हुआ है पन्नी मुझे Now you know it's how hard it is. I know, पन्नी मुझे रोला आ रहा है मेरा भाई रोला आपका शो फर्स्ट टाइम ही सुना लेकिन बहुत सुना कि प्रेजेंटर प्राउड होते हैं ये सुना कि हाँ हम बहुत प्राउड होते हैं पन्नी तुम प्राउड नहीं हो आई एम वेरी प्राउड टू बी तुम तो प्रोडिजी हो डीजे एंड वो भी ऑन हार्ट हार्ट रेडियो रेडियो हार्ट रेडियो है ना रेडवा है ना बाबा आपका रेडवा रेडवा अपना है रेडवा हाँ जी रेडवा चलाओ ना भैया हे इस शो इज गोइंग फैबुलस प्लीज प्ले भुला दो मंगाते तन अच्छा एजी आप कभी मेरे SMS नहीं पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि पन्नी पढ़ रहे होते हैं पन्नी पढ़ रहे होते हैं ना एजी कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ सकते हैं और मैं हर SMS पढ़ता हूँ हर किस्म की SMS पढ़ते हैं ये वो चीजें भी पढ़ लेते हैं जो कि समोसों के लिफाफों के ऊपर लिखी होती हैं ये वो भी चीज पढ़ लेते हैं जो घरों के अंदर अलमारियों में हम अखबार बिछाते हैं वो भी पढ़ लेते हैं चाहे वो जितनी मर्जी पुरानी हो इसीलिए पढ़ने का काम SMS का मुझे सौंपा गया है जी हाँ क्यों रो रहे हैं हाँ मैं FK की वजह से क्यों क्या किया FK ने अब क्या जुल्म ढाया ये मैं आपको बात बताऊंगा एजी आप कभी मेरी SMS नहीं पढ़ते हैं फीलिंग वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर शो प्लीज रीड कर लें माहिरा ने ये लिखा था हमें प्लीज बात करनी है आपसे दुआ करें कि कॉल मिल जाए जोहरा कहती हैं और मेरी जोहरा जबी ये गाना सुना आपने हाँ मेरी जोहरा जबी योर शो इज टू गुड टू बी ट्रूथ एज वेल एज योर लवली स्टाइल कीप इट अप अरुज अरुज यू आर ऑन द टॉप बिकॉज योर नेम इज अरुज है ना या अरुज का मतलब है ऑन द टॉप या एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी नीचे, परेशानी नीचे क्या लश धुंध रही है बोलो ना कहां पता नहीं यार भाई हमारे दोस्त लोग लिख देते हैं लेकिन नाम नहीं बोलते 105 लग रहो लगे 105 लगे रहो FK 105 की जान है आई लव 105 फुरकान कुरंगी 6 से लिखते हैं लेकिन FK ने कहा कि उनका आज आखिरी प्रोग्राम है यस उनके बाद आज आखिरी प्रोग्राम है प्रोग्राम नहीं करेंगे सिर्फ गजलें गाएंगे गजल गाएंगे फरुखान पिछले 6 महीने से जकी के साथ मिलके एक गजल तरतीब दे रहे हैं और वो गजल गजल की नजर हो गई है ओहो
गजल ने वो टेप चोरी कर ली हमारे स्टूडियो से। इसीलिए कहा था टेपों पे काम करना छोड़ दो, सीडी कंप्यूटर पे बनाओ, कंप्यूटर पे जेब में डाल के नहीं ले जा सकते। MP3 बनाओ, कुछ सीडी बनाओ, ये टेपों वाला काम छोड़ दो। हाय हेजी, प्लीज मेरे मैसेज जरूर रीड कीजिएगा और प्लीज टाइटैनिक की थीम सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, डेडिकेटेड टू जिया। जिया न जाए तेरे, ये गाना था टाइटैनिक का, वो टाइटैनिक का नहीं, ये नहीं था, दूसरा। जिया चले जान चले नैनो तले, टाइटैनिक टाइटैनिक। आई एम खुश हियर, बहुत मैसेज किया आपको, बहुत आपने इंक्लूड किया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल मेंबर्स ऑफ योर शोज, गोइंग रॉक स्टिकर। शिस्ता की लिखी है उर्दू। FK ने वाकई छोड़ दिया, यकीन नहीं आ रहा है। यकीन कब आएगा, अचार की जगह एक जलाएगा FK को। FK के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर वो रिजाइन कर रहे हैं या आपको लिसनर्स की कोई बात पसंद नहीं आती, कुछ मतलब वो लिसनर कह रहे हैं कि आप लिसनर की बात नहीं सुनते और FK को निकाल देते हैं ना, ऐसी बात कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात। आपने क्यों फर्क को ये करने दिया, क्यों करने दिया? इतने मैसेज आ रहे हैं कि मुझे आज तक इतने मैसेजेस मिले हैं इस प्रोग्राम में। मैं हर रोज यही टॉपिक रखूंगा, हर रोज यही टॉपिक रखूंगा। मैं पन्नी पन्नी रोज यही टॉपिक होगा, बिल्कुल। डन 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 ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन। अच्छा जी, हमारा नंबर है 1111-0105। आप क्या कहते हैं FK के रिजाइन करने पे? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कौन बोल रही हैं? जिया बात कर रही हूँ। और जिया न ले जा जले। अच्छा, मुझे जिया गाना पसंद है। आपको ही है ना? बताइए, उनका आपके नाम की तरह। बताइए, मैं ये किसकी आवाज निकाल के ये गाना गाता हूँ, ठीक है? ठीक है, गौर से सुनिएगा। जिया चले जा चले नैना चले धुआं चले धुआं चले। वैसे ये कोई नया सिंगर है? नहीं नहीं, ये लता की आवाज थी ना। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता लगा? ये लगता है इनको लतें पढ़ पढ़ के आवाज मोटी हो गई है। हाँ, ये लता। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि फरूख खान अगर रिजाइन करते हैं आज रात को, आखिरी प्रोग्राम करते हैं, तो आप पे क्या गुजर सकती है? मुझ पे तो कुछ नहीं गुजर रही, क्योंकि मैंने कभी इनका प्रोग्राम सुना नहीं है। आपने ये आपने तो फिर सबसे बड़ी टाइटैनिक जैसी गलती की अपनी जिंदगी में। मेरी मैंने कोई प्रोग्राम नहीं सुना है, मैं अभी न्यूली सुना शुरू किया आपका प्रोग्राम। आपने पन्नी का प्रोग्राम कभी सुना है? पन्नी कभी नहीं सुना मैंने, सिर्फ रिजवान कोई है उनका प्रोग्राम। आए, रिजवान जैसी का प्रोग्राम। अजहर का सुना आपने? अजहर का प्रोग्राम सुना आपने, तो पन्नी को कैसे नहीं सुना, क्योंकि अजहर तो प्रोग्राम पन्नी के बगैर करते ही नहीं। दो साथ आते हैं, तो ये नहीं पता कि पन्नी। हाँ, वो दूसरे जो आते हैं वो ही पन्नी है। अच्छा जी जी। और ये पन्नी नाम आपका रियल नेम है? यस, ये मेरा बिल्कुल रियल नेम। नहीं नहीं, मजाक में रख दिया था, मखौल में रख दिया था। हमारे आबाओ अजदाद ने कहा चलो मखौल साडा नाम पन्नी आज तो। अच्छा, यस। क्या कहते हैं आपको? टॉपिक हमारा ये है कि आपको किस चीज का नशा है? जी? किस चीज का नशा है? का नशा है, एडिक्शन। नशा कुछ खास नहीं, फिलहाल तो स्टडीज का नशा है। स्टडीज का नशा है? आप कैसा नशा? कैसा नशा? कैसी क्या बात हुई? कैसे स्टूडेंट हैं? यंग जनरेशन, कैसे यूथ हैं आप? कैसी यूथ हैं? ये क्या बात हुई? ये क्या बात करी आपने? चले, आपको पढ़ने का नशा है तो आप बताइए मुझे, आप क्या पढ़ती हैं? मैंने अभी इंटर किया। इंटर किया आपने? और इंटर किस में किया, साइंस में या उर्दू में? नहीं, उर्दू में नहीं, इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर वाला इंटर था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा जी, इन्होंने प्री इंजीनियरिंग की, इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी। और चाचा मिस्त्री जी, हम इनसे हम पूछेंगे फिजिक्स से सवाल। ओके, फिजिक्स का जी पूछे। ओके, फिजिक्स आप पूछता हूँ मैं आपसे, आसान पूछिएगा। हाँ जी, इंटर किए मुझे वैसे 6 महीने हो गए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ जी, न्यूटन ने जी अपनी 25 साल की उम्र में ये दरियाफ्त किया, ये हाँ ये दरियाफ्त किया। अच्छा, क्या दरियाफ्त किया? जब सेब नीचे गिरा 25 साल की उम्र में, वो एक दफा एक दरख्त के नीचे बैठा था, उसने देखा कि ऊपर से ना एक सेब गिरा जी और जमीन पे गिरा, बिल्कुल। उसने कहा देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल, खा लो। नहीं, खा लो नहीं कहा था उसने, तुम्हें तो नहीं पता। हाँ, 25 साल तक वो क्या करता रहा कि उसको 25 साल बाद पता लगा सेब गिरने से, उससे पहले वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें ऊपर से चीज नीचे गिरती है? ये मुझे तो नहीं पता। देखिए, आप पता नहीं क्या पढ़ रही हैं फिर। नहीं,
तो कोई सवाल नहीं हुआ। कौन से बोर्ड का इम्तिहान दिया आपने? मैंने कहा जी